हाँ जी, यूनिट 5 का अगला क्वेश्चन है, संस्कृति अते सभ्यता दे परस्पर संबंधा का वर्णन करो। हुण जे गल करिए संस्कृति अते सभ्यता की चीज़ हन, तो यह दोनों ही जो चीज़ा हन वह मनुखी जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार प्रगटाते हैं। मतलब मनुखी जीवन के दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो संस्कृति जो सानू सीखने तो बचपन तो ही मिलती है, सभ्यता जिस दे विच असीं पले पोसे होंगे, सभ्यता साड़ी चेंज होंदी रहिंदी है, पर संस्कृति दे विच किसे तरह का भी बदलाव नहीं आता। जे असीं अपने किसी भी तरह की बाणी की या साहित्य की गल करिए तो कभी भी बदली नहीं जा सकती, जबकि जो सभ्यता है जिवें साडा रहन सहन की गल करिए, घर बनाने के ढंग तरीकों की गल करिए, साधना की गल करिए, या जिहड़े साडे कोल वाहन हन जिवें पहला साइकल हुंदा सी पर हुण साडे कोल मोटरसाइकल या गड्डी आ गई है। तो इस तरह संस्कृति दे विच वाधा बहुत घट हुंदा है, सभ्यता वधदी रहिंदी है। हुण जे असीं देखिए इन्हां दे विच की फर्क है, तो उहदे विच सब तो पहला असीं दसदे हां जो कुछ असीं हुण हैगे आ उह साडी संस्कृति दे नाल है, ते जिहड़ा कुछ साडे कोल है जिवें साडे कोल घर है, मकान है, या फिर साडे वातावरण दे विच जो भी चीज़ां साडे कोल शामिल हन उह साडी सभ्यता है। पर इन्हां दे विच जे डिफरेंस की गल करिए तो सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट आता है साडे कोल उह है सभ्यता संस्कृति दी वाहक है। तो इसका मतलब हुंदा है जिहड़ी संस्कृति नूं चलाण दा काम कौन करदा है, सभ्यता करती है। सभ्यता दे तत्त संस्कृति नूं अग्गे अग्गे लेके जांदे हन, साडे दादा दादी तों साडे माँ बाप नूं मिली, उहनां तों साडे तक पहुँची, साडे तों अगलियां पीढ़ियां नूं कौन पहुँचाउंदी आ, संस्कृति नूं सभ्यता द्वारा अग्गे अग्गे पहुँचाया जा रहा है। तो उस तों बाद जे अगली गल करिए असीं सभ्यता संस्कृति दे प्रचार, तां इन्हां दा प्रचार किवें कीता जा सकता है। सभ्यता ही संस्कृति दा प्रचार करन दे विच मदद करदी आ। हुण जे असीं गल करिए किसी दी बाणी दी या किसी दा भी कोई उद्देश होवे पूरे देश तक या पूरे वर्ल्ड दे विच पहुँचाउणा होवे, तां सभ्यता दे अलग अलग तत्तां दे द्वारा असीं संस्कृति नूं अगे अगे पहुँचा सकते हाँ। उस तों बाद जिहड़ा साडे कोल आउंदा है सभ्यता संस्कृति दा वातावरण है। हुण संस्कृति कित्थे वधदी फुलदी है या संस्कृति दा निर्माण कित्थे हुंदा है, तो सभ्यता दे विच ही वो अगे लोकां कोल दित्ती जांदी है। सभ्यता दे नाल इक विशेष वातावरण दा निर्माण हुंदा है। हुण जिवें असीं गल करिए पंजाबी सभ्याचार दी तां ओह अलग तरह दा होगा, पर उत्थे जे असीं गल करिए केरला दे या फिर गुजरात दे सभ्यता दी तां इन्हां दे वातावरण अलग तरह दे होणगे। तां इस तरह असीं कह सकदे हां वी सभ्यता अलग अलग वातावरण दे विच अलग अलग तरह दी हुंदी है, पर संस्कृति उत्थे दे लोकां द्वारा जो प्रभाव एक दूजे लई हुंदे हन उहनां दी संस्कृति दे विच आउंदे हन। सभ्याचार दे विच जदों वी कोई परिवर्तन आता है तो संस्कृति के नाल इसका प्रभाव दूजे उपर भी जरूर पैंदा है। सभ्याचार दे विच जो भी चीज़ा होंदिया हन या सभ्यता दे विच जो भी चीज़ा होंदिया हन वह अगे अगे वंडिया जांदिया हन, पर संस्कृति दे विच असीं इवें वंड नहीं सकते। संस्कृति नूं जे सीखना होवे तां व्यक्ति नूं अपने आप दे विच बदलाव करने पैंदे हन, पर सभ्यता दे विच जे कोई परिवर्तन आता है तो सानूं अपने आप दे विच किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना पैंदा। हुण उस तों बाद साडे कोल लास्ट पॉइंट है संस्कृति सभ्यता दी दिशा निर्देश करती है। तो जिहड़ी साडी संस्कृति आ उही साडी सभ्यता नूं अगे वधाउण दे विच मदद करती है। साडे जीवन ते विवहार, साडे आदर्श, मुल, धर्म ये सारे साडी संस्कृति दे विच पाए जांदे हन, जो सभ्यता द्वारा अगे अगे दिशा निर्धारित करके अगलियां पीढ़ियां तक पहुँचते हैं। तो इस तरह जो असीं दसना होवे संस्कृति ते सभ्यता दे विच संबंध की आ, तो ये मनुख दे जीवन दे दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिहड़े एक दूजे नाल नाल चलते रहिंदे हन। जो कुछ असी हाँ, जो जिवें दी साडी बोलबाणी है या असी किसे नाल किवें पेश आ रहे हैं, यह सारी साडी संस्कृति है। ये सभ्यता जो चीज़ा साडे कोल हन, चाहे वह कपड़े हैं, चाहे वह साडे कोल वाहन हैं या घर या मकान या कोई भी खाण पीण की चीज़ है, ये साडे कोल साडी सभ्यता है। तो यह दोनों मिल के ही, इन्हां दे संबंध मिल के ही एक मनुखी जीवन बनाते हैं।